सेवा सत्विको मोह शिष्यो उवाचो सेवा सत्विको मोह पुणी द्वितीय कुहंतु हे सुनी प्रथमे द्रव्य सात्विक मोह संबंधरे जानिबा परे द्वितीय रे सेवा सात्विक मोह संपर्करे जानिबा निमन्ते जिज्ञासु शिष्य श्री गुरुस्वामींक सन्निधानरे विनय पूर्वक जोड़ हस्तरे प्रार्थना करंती। प्रिय ज्ञानी पुत्रर एतादृश सविनय प्रार्थनारे प्रभु संतुष्ट होई कहंती श्री गुरुस्वामी उवाच जे वश्च गुरुंक सेवार सौ उच्चे तोले निज स्वर सेवक पणे नाम बही अन्य बखाणी कहु थाई सेवार उपकरणटि उपचाररे न लागेटि जथा समय जथा सेवा न करी मन मुखी अबा हुआई सेवक जे शिष्य सेवा सात्विक मोह बस केवल शिष्य ओ सेवक गुरु सेवार उच्च स्वर तोली निजकु सेवक पणरे प्रतिष्ठित करी सेवकर नाम बही अन्य शिष्य मानंकु बखाणी नाना कथा कहु थांती मात्र निजे श्री गुरुस्वामींकर सेवानीति निष्ठारे पालन न करी मनमुखी सेवादान करंती श्री गुरुंक सेवा परिचर्या निमन्ते नानादि उपकरण मान संग्रह करी रखंती मात्र से सब उपकरण गुरुंकर स्थूल सेवा उपचाररे यथारीति यथा समयरे लगांती नाही श्री गुरुस्वामींकर रुचि इच्छा आवश्यकता प्रति सामान्यतम ध्यान बा लक्ष्य न देई मनमुखी भावरे आपणा रुचि इच्छा एवं सुविधा अनुसारे गुरुंकर सेवा परिचर्या संपादन करिथांती एतादृश मनमुखी सेवा करुथिबा शिष्य बा सेवक सेवा सात्विक मोह बसरु एपरि करिथांती यही सेवा सात्विक मोह गुरुबा गंजन मोहर द्वितीय प्रकरण अटे समाज रे एपरि केतेक सेवक शिष्य अछंती जेउ माने गुरुदेवंकर सेवा निमन्ते उपकरण मान संग्रह करंती मात्र से सबु उपकरण साईति रखी बारंबार देखिबाकु भलो पांती सेवा सात्विक मोह हेतु गुरुंक सेवा उपकरण मानंकरे सेमानंकर अंतःकरणरे सूक्ष्म आसक्ति भाव सृष्टि हुए तेणु सेमाने द्रव्याशक्ति फलरु अकुंठित चित्तरे तहा गुरुंकर व्यवहार निमन्ते यथा समयरे प्रदान करिपारंती नाही अति आवश्यक पड़िले कुंठित होई बड़ कष्टरे सेमाने तहा गुरुंक सेवारे लगाई थांती निजर ख्याल खुशीरे बा आपणार इच्छा रुचि ओ सुविधा अनुसारे एपरि मनोभाव संपन्न सेवक शिष्य माने आपणार अज्ञात सारे सेवा सात्विक मोहर वशीभूत होई जांती सेमाने साधारणतः गुरुंकर पूजा द्रव्यर लोभ त्याग करी नथांती फलतः विधि विधान लंघन करी मनमुखी होई जांती सेमाने इह जन्मरे गुरुंक कृपा बा भगवत करुणा प्राप्तिरु वंचित हुवंती एवं परवर्ती जन्मरे पशु जोनिरे जन्म नियंती एहा ही संक्षेपरे सेवा सात्विक मोहर प्रकरण विभिन्न उदाहरण देई यही सेवा सात्विक मोहर व्याख्या को सुंदर ओ सुविस्तृत करा जाई पारे एतद् व्यतीत विभिन्न शिष्य भक्त सेवक अनुगत मानंकर दैनंदिन आचरण ओ सेवा विधिर अभ्यास को लक्ष्य कले मध्य यहा यथेष्ट दृष्टांत मिली पारे कृति सात्विक मोह शिष्य उवाच दिय हे प्रभु भावग्राही कृति सात्विक मोह कही
दिह हे प्रभु भावग्राही कृति सात्विक मोह कही कृति सात्विक मोह संबंध रे जानिबा निमन्ते शिष्य श्री श्री गुरुस्वामी श्री पद्म पादरे सविनय प्रार्थना करन्ते भावग्राही करुणा सागर प्रभु शिष्यर मनस्कामना पूर्ण करी कहंती श्री गुरुस्वामी उवाच कृति बा जस कामनारे केतेक लिप्त साधनारे प्रत्यक्ष अनुभूति नाही गुरु ज्ञान को निज पाई आपणा नामरे भणित करंती जेऊं रचयित आपणा कृतिर प्रचार करंती आपणा नामर कृति सात्विक मोह बसे बश्च आपणा जन्म नासे तम मानंक मध्यरु अधिक संख्यक साधक असल धारा ओ कर्मजोग साधन रे मन ध्यान न देई अधिक मात्रा रे आपणार कृतित्व जस ख्याति प्रशंसा ओ नाम इत्यादि लाभ करिबा निमन्ते एते बेसी लिप्त ओ आसक्त होई पड़िछ जे सते जेमिति गुरुद्वार रे एही अलिक आत्म प्रशंसा लाभ ही तमर साधन रे परिणत होई जाइछि प्रत्यक्ष अनुभूति नथिले मध्य केतेक शिष्य गुरुंक ठारु प्राप्त ज्ञान को प्रवचन माध्यम रे अन्य मानंक आगरे आपणार क्षरित ज्ञान बोली कही निज नाम रे भणिता करी नानादि गद्य पद्य आदि रचना करी आत्म प्रतिष्ठार अलिक निशारे आसक्त हेउछंती श्री गुरुंक श्री चरण पंकजरे शरण पशी आश्रय लाभ करी गुरुंक महिमा प्रचार प्रसार ओ प्रतिष्ठा करिबाकु पासोरी जाई आत्म प्रशंसा ओ आत्म प्रतिष्ठा रे मोहग्रस्त होई पड़ुछंती तम मानंकर एतादृश कर्मधारा को विश्लेषण कले तमे निजे ही बुझी पारिबो जे एहा कृति सात्विक मोह बसरु संगठित हेउची कृति सात्विक मोहग्रस्त व्यक्ति सर्वदा आपणार कृतित्व ओ नाम जस निज मुहरे अन्य मानंक आगरे बारंबार प्रचार करी निज को अन्य समस्त शिष्य गुरु भाई भौणीक ठारु निज को बड़ बोली आरोप करे एवं निज पाई अन्य मानंक ठारु प्रशंसा दाबी करे गुरुंकर श्रीमुखरु सुनिथिबा वाक्य तत्व ओ शास्त्रानुशीलन ओ व्याख्या को निजर ज्ञान बोली प्रचार करी निज को जने अद्वितीय श्रेष्ठ ज्ञानी बोली अभिमान करे गुरुंक ठारु ज्ञान चर्चा सुनी ताहा मने रखिथाए सत मात्र निजे निजर वास्तव कर्म ओ जीवन चर्चा रे अभ्यास न करी अन्य मानंकु कही निजर पांडित्य देखाई हुए प्रत्यक्ष सूक्ष्मानुभूति न थाई गुरु वाक्य को गुरुंक नाम रे न कही निज नाम रे कही अन्य मानंक ठारु निज को भक्त तालिकार शीर्ष रे रखी आमोदित हुए एतद्वारा गुरुंकु सम्मुख रे न रखी प्रच्छन्न रे रखी दिए ओ निज को निजे आपणा तुंडरे बड़ बोली कही बुले एमाने निज को जेते बड़ ज्ञानी बोली प्रचार कले मध्य कृति सात्विक मोह बसरु आपणार इह जन्म को नष्ट भ्रष्ट करी नरक यंत्रणा नानादि लांछन अपमान अपजस अपकीर्ति इत्यादि जीवन कालरे भोग करंती चरमरे तार आत्मा नरक गति लाभ करे नरक गामी होई से बहु जम यंत्रणा भोगे जीव दशारे साधना साधन करि पारे नाही कि सिद्धि मध्य लाभ करि पारे नाही तेणु तमे माने कस्मिन काले गुरबा गंजन महाविष्ट न होई परमार्थ प्राप्ति निमन्ते प्रत्याह प्रति मुहूर्तरे आत्म समीक्षा करी आचरण शुद्ध हेबा उचित।